हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। आज मैं आपको दिखाएंगे हॉट ग्लू गन, क्योंकि हॉट ग्लू गन से हम कुछ रिपेयर करेंगे। ये फोटोकॉपियर मशीन का कुछ चीज़ टूटा हुआ चीज़, कहीं भी स्क्रू का नाट ढीला हो गया है, कहीं भी स्क्रू नहीं आ रहा है, या कुछ चीज़ टूट गया है। तो ये हॉट ग्लू गन बहुत ही काम का चीज़ है, सिर्फ मशीन का ही नहीं, कोई भी चीज़ कोई भी काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो कीमत है उसका हिसाब से उतना ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ये हॉट ग्लू गन आप बाज़ार में बहुत सा कम कीमत में मिलता है, 150 रुपये से शुरू करके 250 रुपये के बीच बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का हॉट ग्लू गन मशीन मिल जाता है। तो यह है 150 रुपये का हॉट ग्लू गन, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी फोटोकॉपियर मशीन में। कुछ चीज़ टूट गया है, वो जाके हम दिखाएंगे और उसको भी रिपेयर करके आपको दिखाएंगे हॉट ग्लू गन से आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन के बारे में। तो चलिए हम मशीन में ले चलते हैं, इसको पहले हम खोल देते हैं। देखिए इसको दिखाते हैं खोल के, ये पूरा सील पैक है पूरा, इसको पहले निकालते हैं। इसका साथ जो आता है दो ठो ग्लू है जो गन में इस्तेमाल किया जाता है, हॉट ग्लू गन। ये जो दो ठो ग्लू है वो ग्लू से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दो ठो दिया गया है और ये भी एक स्टैंड है इसका हॉट ग्लू गन का। ये जो देखिए इसका सिस्टम आपको हम बता रहे हैं एक एक करके। ये जो प्रेस है, ये जो साथ में आता है दो पीस, इसको यहाँ घुसाना है, घुसाने के बाद यहाँ पे आगे भी कर देना है। और ये जो पहले दिखा रहे थे, ये जो है ऐसे करने से टिगर जो प्रेस करते हैं, प्रेस करने से इसको अंदर को ढकेलेगा, इसको अंदर को ढकेलेगा। और यहाँ पे जो हीटर है, जो हीट होता है इसको गलाता है, वो अंदर धीरे धीरे गल के इसका अंदर से बाहर आएगा गल के। तो ये हीट होता है, इसका अंदर से हीट होके इसको गला के अंदर आएगा। और ये जो प्रेस है, ये प्रेस देंगे तो ये इधर आएगा। तो चलिए हम इसको पूरा आपको दिखा देते हैं इस्तेमाल करने का तरीका। ये जो दिया, हम पहले एक काम करें और एक चीज़ आपको बता दें, ये साथ में आया है और बाज़ार में अलग से आता है। एक एक स्टिक का 10 रुपये करके लेता है अभी का बाज़ार में। तो इसका यहाँ पे अंदर दे दीजिए, देने के बाद इसको ऐसे प्रेस कीजिए, अंदर जितना लेना है चला जाएगा। ये अंदर को आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अंदर की ओर जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। बस एक जगह जाकर रुक जाएगा। देखिए इधर आप देख पा रहे थे, धीरे धीरे अंदर को गया है। यहाँ पे आएगा, आने के बाद हीट होना शुरू करेगा जब हम इसको प्लग में लगाएंगे इलेक्ट्रिक में। देखिए जितना दूर गया, जाने के बाद अब नहीं जाएगा, मतलब अब यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हीट करना है, हीट करके हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं फोटोकॉपियर मशीन का एक चीज़ रिपेयर करके। एक तो चीज़ आपको दिखा देते हैं जो हम जो रिपेयर करेंगे हॉट ग्लू गन से, हम दिखाते हैं ये हॉट ग्लू गन से हम जो रिपेयर करने वाले हैं आपको दिखा दें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ADF रीडर का जो ऊपर का हिस्सा जो काम करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, बहुत सा कमेंट आता है। यहाँ पे देखिए ऐसा जो उठा हुआ चीज़ रहता है यहाँ पे, जो एक सेंसर में काम करता है, तो यहाँ का चीज़ टूटा हुआ है, इसको हम रिपेयर करेंगे।
क्योंकि अगर ये रिपेयर नहीं करेंगे तो ADF रीडर में आपका पेज सेटअप सही ढंग से नहीं लेगा, पेज सही ढंग से काम भी नहीं करेगा। तो चलिए इसको अंदर से निकाल कर दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ का जो लॉक टूट चुका है, यहाँ का अंदर इसका अंदर स्क्रू भी है फिर भी काम नहीं कर रहा, ये जो टूटा हुआ है स्क्रू काम नहीं कर रहा यहाँ पे। तो चलिए उसको खोल के इस हॉट ग्लू गन से हम उसको रिपेयर करके दिखाएंगे, जिससे कि फिक्स्ड हो जाएगा फिर। और यहाँ का जो है जो टूटा हुआ है यहाँ पे उठा हुआ चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वो नहीं है, वो टूट चुका है, अंदर गिर चुका है, उसको रिपेयर करके फिर बाहर कर देंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं, ये ADF रीडर फिर से अच्छी तरह काम करने लगेगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको जो खोलना है स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू खोल दीजिए। और एक स्क्रू खोलना है आपको दिखा दे, यहाँ पे ADF को हटाइए, हटाने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, ये तीन टू स्क्रू खोलिए, खोलने के बाद ये जो यहाँ रुक जा रहा है नहीं रुकेगा। यहाँ पे देखिए एक लॉक है, ये लॉक की वजह से नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको खोलना पड़ेगा तब जाके वो इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए खोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए और देखो स्क्रू यहाँ पे ठीक है, बाकी एक टू स्क्रू खराब है, ये तो काम नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं स्क्रू काम नहीं कर रहा है। इसको खोलिए, ये तीन टू स्क्रू है, तीन तो सही है, एक तो खराब है। और एक तो यह फिक्स्ड है, मतलब टूट चुका है, ये यहाँ पे गिर चुका, ये जो हिस्सा है गिर चुका है। यहाँ पे आपको कुछ हम चीज़ दिखा दे, सेंसर इतना सारा सेंसर है, ये जो है यहाँ पे जो सेंसर दिखाई दे रहा है ये अगर काम नहीं करेगा तो सेंस सही ढंग से आपको नहीं दिखाएगा, तो इसके लिए ये चीज़ को आपको लगाना पड़ेगा, यहीं पे आपको इसको लगा देना पड़ेगा, जिससे कि फिर से आपको काम आएगा वो। चलिए इसको लगा के दिखाएंगे आपको, ये हॉट ग्लू गन से यहाँ पे लगा देंगे इसी तरह, चाहे तो इसको आप खोल के भी आप लगा सकते हैं। इसको निकाल के आप ये जो टूटा हुआ है यहाँ पे हॉट ग्लू गन से यहाँ लगा दीजिए। और एक तो हम दिखाने वाले थे जो स्क्रू यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ का हिस्सा देखिए एक तो टूट चुका है, यहाँ पे जो लॉक था जहाँ पे स्क्रू यहाँ पे लग चुका है ये खुल नहीं रहा, देखिए देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो स्क्रू है ये टूट के यहाँ से टूट के आया है। तो इसको हम खोलते हैं, साइड खाली हाथ से नहीं खोल रहा है, इसको पहले प्लास से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए इस जगह में था, यहाँ पे हम हॉट ग्लू गन से हम यह लगा देंगे फिर इसको स्क्रू टाइट आसानी से फिर लेगा। इस हॉट ग्लू गन को पहले इस्तेमाल करने से
फर्स्ट टाइम अगर ये जो है फर्स्ट टाइम ये जो ग्लू है, इस ग्लू को अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाने के बाद इसको यहाँ पे प्रेस करके पकड़ना पड़ेगा, तब धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा। प्रेस करके पकड़िए तो ये अंदर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ का प्रेस करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अंदर को नहीं जाएगा। ये जो स्टिक है, स्टिक को अंदर को प्रेस करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर प्रेस करना पड़ेगा। ये जब फर्स्ट टाइम है तो इसलिए टाइम थोड़ा लेगा, ये हीट है, अभी हीट हो रहा है अंदर, क्योंकि पूरा अंदर खाली है इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। एक बार इस्तेमाल अगर हो जाएगा तो अंदर में कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए बहुत जल्द काम करना शुरू करेगा। देखिए अंदर को जा रहा है, अजय निकालना शुरू किया, ठीक है। तब इसको हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, कैसे करना है देख लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा तो सही नहीं होगा। तो देख लिया आप इसको, आप चाहे तो बाज़ार में बहुत सा ग्लू मिलता है, उस ग्लू से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंस्टेंट काम करता है इस छोटा चीज़ के लिए, नहीं कुछ चीज़ के लिए आपको यही चीज़ लगेगा, नहीं तो नहीं होगा मशीन का कुछ चीज़ जोड़ने के लिए। ये हो चुका है, अब थोड़ा ही बाहर से कुछ दे दें जिससे कि ना छूटे। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा मोटा हो जाता, अभी हीट है, ये थोड़ा ठंडा होगा तो जम जाएगा। थोड़ा हवा दो, नहीं तो अभी नरम है, गला हुआ। हवा देना पड़ता है, बाद में बहुत सा टाइट हो जाएगा। बाकी हिस्सा थोड़ा चक्कू से इसको साफ कर दो, थोड़ा तो अब सूख चुका है, अब बहुत टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे लगाना है, थोड़ा अच्छी करके ज़्यादा करके दे दीजिए, जिससे कि यहाँ पे स्क्रू लगना है जो वापस ना खुले। ये भी सही बात है।
सावधानी से प्रेस कीजिए, नहीं तो टूट टूट जाएगा। इसको थोड़ा भारी कर देते हैं। जिससे कि इसका जो वेट था, वेट यहाँ पे बढ़ जाए। कर दिया। देखिए अब सही काम कर रहा है, क्योंकि इधर वेट हो गया था इसलिए उधर हम थोड़ा वेट कर दिया, यहाँ पे वेट दे दिया, जिससे आप प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे सही काम करेगा। चलिए इसको लगा देते हैं। ये सूख चुका है बिल्कुल, बहुत सा टाइट हो चुका है, जितना ओरिजिनल में था इससे ओरिजिनल जैसे ये टाइट हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब टूटेगा नहीं, अब इसको लगा देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे कुछ सेंसर रहता है, इस सेंसर को डिसकनेक्ट या कनेक्ट जो भी बोलिए वो करने के लिए ये सब लगाया गया है। तो ये सब सेंस देता है, तब जाके पेपर सिलेक्ट किए करने से आपको उस हिसाब से पिंड भी होता है। तो चलिए इसको लगा के दिखाते हैं इसको टाइट होता है कि नहीं। अब बिल्कुल अच्छी तरह टाइट होगा, अब टूटने का कोई डर नहीं। बिल्कुल अब हिल नहीं रहा, देखिए पूरा टाइट हो चुका। बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसको लगा देते हैं। बिल्कुल एडियट लीडर जो है बिल्कुल काम कर रहा है, सारे चीज आप देख लीजिए अच्छी तरह। ये जो देखिए ये टूटा हुआ था, अब बिल्कुल काम करना शुरू करेगा। आप यहाँ पे सेंसर्स सेंस देना शुरू करेगा, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो फोटोकॉपी करने बाद छोटा हो जा रहा है, पेज सेटिंग सही ढंग से नहीं ले रहा है, लेकिन इससे आपका सही ढंग से लेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।